श्रवण समाज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। मध्य प्रदेश में 19, छत्तीसगढ़ में 12, राजस्थान में 9 प्रत्याशी तय। श्रवण समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 19 में से रीवा जिले की सिरमौर, त्योंथर, मनगवा, मऊगंज के प्रत्याशियों के नाम भी तय कर दिए हैं। श्रवण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी मऊगंज से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें, श्रवण समाज पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की समस्त सीटों से चुनाव लड़ेगी। श्रवण समाज पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने इस मौके पर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। लक्ष्मण तिवारी ने साफ तौर पर माना, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, ना कि जातिगत। आइए सुनते हैं श्रवण समाज पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने घोषणा पत्र में किन खास बातों का उल्लेख किया। सरकार चलाएंगे और किस तरह बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे और किस तरह किसानों को हम एक सरकारी नौकरी, एक परिवार को एक योग्यता अनुसार देंगे, इसकी संपूर्ण मंथन करने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है। ये घोषणा पत्र ही नहीं, ये घोषणा पत्र वादा ही नहीं, ये घोषणा पत्र जनता जनार्दन को पहली कैबिनेट से हम शुरू कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है।